नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले रीट शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में। और आचार संहिता को लाकर एक बड़ी खबर अपने सामने आई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपके काफ़ी क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वेटिंग वालों के लिए भी ये कुछ खबरें हो सकती है, उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में चलने से पहले कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसे आप लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इससे, और आगे भी आपके लिए जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो हम आपको सबसे पहले है वो अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हो, जिस भर्ती की परीक्षा हो गई या परिणाम तक आ गया उसकी नियुक्ति में आचार संहिता है वो बांधा नहीं होगी। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि अपनी जो भर्ती है रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 ऊपर कह रहे देना, उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला आचार संहिता को लेकर। तो आप ये बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आचार संहिता से अपनी भर्ती बांधित होगी, नहीं होगी। लेकिन ये कारण यही है कि इस भर्ती पे केस बहुत ज़्यादा है, और 1-2 केस ऐसे भी जिन पर स्टे लगा हुआ है, उसके कारण है ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। जब भी इसका समझ लो इससे स्टे हट जाएगा, उस दिन भर्ती है वो जो नियुक्ति मिलने वाले उनको नियुक्ति मिल जाएगी, और नियुक्ति मिलती जो वेटिंग वाले हैं उनके लिए वेटिंग जारी कर दी जाए। और वेटिंग जारी करने का एक ही कारण है, आप देख सकते हो रीट लेवल 1 में 26,000 पदों में भर्ती थी, जिसमें से भी करीब 21,000 ही नियुक्त हो चुके हैं, और समझ लो 4-5 हज़ार जो भी बचे हैं उनको भी है वो नियुक्ति वेटिंग के द्वारा ही दी जाएगी। तो वेटिंग है वो ज़रूर निकलेगी। और ऐसा ही रीट लेवल 2 के अंदर है, उसमें अभी तक काउंसलिंग में बहुत कम पहुँचे और बहुत अनुपस्थित रहे, तो उसके कारण भी उनको नंबर मिल जाएगा। जो किनारी पर रह गए या जो कुछ ही पॉइंटों से मिल रह गए उनको इस भर्ती में आया वो मौका मिलेगा, और आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज की यही अपडेट दी। अगर आपको ये अपडेट, आशा करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।